दर्शकों नमस्कार। सोनाली ग्रुप के बैनर तले सिटी चैनल के माध्यम से हम समय समय पर आप तक पहुंचते हैं, किसी काव्य गोष्ठी के माध्यम से, किसी काव्य कार्यक्रम के माध्यम से। लेकिन आज चूँकि एक विशेष पर्व है, रंगों का त्यौहार होली, भारत एक ऐसा देश है जहां अनेक तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं और उनमें होली का एक विशेष स्थान है, तो आज इसी अवसर पर तमाम नगर के कवि उपस्थित हैं, रचनाकार हैं, जो आप तक अपनी रचनाओं के माध्यम से पहुंचेंगे। सबसे पहले उनका परिचय हम आपसे करवा दें। मेरे पास में बैठी हैं श्रीमती कीर्ति मनोरिया गौतम, जो बड़ी अच्छी रचनाएं लिखती हैं, संवेदनशीलता और सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करती हैं, तो आज इनसे उनकी रचनाएं हम सुनेंगे। मेरे दाईं तरफ हैं पंडित सुदामा प्रसाद जी भार्गव, जो आध्यात्मिक रचनाएं भी लिखते हैं, सामाजिक विद्रूपताओं पर भी रचनाएं लिखते हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि वे समाज के बारे में क्या सोचते हैं। सुदामा प्रसाद जी के ठीक पास में हैं श्री हरिशंकर सेवरे जी, जो कि बहुत नौजवान हैं और अच्छी अच्छी रचनाएं लिखते हैं। गीत और भजन के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत कार्य किया है, तो इन सभी रचनाकारों से आप तक हम पहुँचें। लेकिन हम चाहते हैं कि उससे पहले जो हमारे सिटी चैनल के हमारे सहयोगी हैं, वो होली के इस अवसर पर हमारे आमंत्रित कवियों का स्वागत करें। तो सबसे पहले मैं श्री पवन कुशवाहा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और हरिशंकर सेवारे जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। इसके साथ साथ चूँकि होली का अवसर है, तो हम चाहते हैं कि रंग गुलाल के माध्यम से भी स्वागत किया जाए। अब श्री कैलाश कुशवाहा जी से हम निवेदन करते हैं कि वो पंडित सुदामा प्रसाद जी भार्गव को माल्यार्पण द्वारा और तिलक लगाकर स्वागत करें। आज विशेष रूप से श्री गौतम जी हमारे साथ में उपस्थित हैं, तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो कीर्ति जी को पुष्प कुछ भेंट करें और गुलाल भी भेंट करें, माला भी बना सकते। तो मैं जीवन परिहार जी से निवेदन करता हूं कि वे हमारे संचालक महोदय और इस कार्यक्रम की रूपरेखा को मूर्त रूप देने वाले हमारे सुनील शर्मा जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें और गुलाल अर्पण करें। दर्शकों, कैमरे की आंख हमको देख रही है और इसी आंख के माध्यम से आप हमको देख रहे हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तमाम तरह की भावनाओं को मन में बिठाए रहती हैं। और एक घंटे का ये साहित्यिक सफ़र है, इसमें आप हमारे साथ बने रहें और विभिन्न रंगों के आपको इसमें दर्शन परिलक्षित होंगे, विभिन्न प्रकार की रचनाएँ आप तक पहुँचेंगी। वादा हम केवल इतना चाहते हैं आपसे कि कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे। कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे। जो कह ना सके हम आँखों से, वो बात जुबानी कह देंगे। तो इसी भावना के साथ, इसी कामना के साथ हम चाहते हैं कि बिना किसी देरी के इस कार्यक्रम को हम औपचारिक रूप से आरंभ करें। और हमारे बीच में युवा रचनाकार श्री हरिशंकर सेवरे जी हैं, जो भजन के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे गायक के रूप में भी चर्चित रहे हैं और हर तरह की रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। तो हम चाहते हैं कि आज की शुरुआत कार्यक्रम की उनकी रचनाओं से हो। श्री हरिशंकर से भरे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील शर्मा जी को, आपने सबसे पहले ही अवसर दे दिया और पहला अवसर भी अपने आप में मायने रखता है। बिल्कुल, माँ सरस्वती को प्रणाम है, आदरणीय सुदामा जी को भी प्रणाम है और कीर्ति मैडम, आप सभी वरिष्ठ कवियों का आशीष लेते हुए अपनी प्रथम रचना पाठ कर रहा हूँ।
होली के त्यौहार की महिमा को उसमें समेटा है। कोई रंग लाल लाता है, कोई पीला लगाता है, कोई रंग लाल लाता है, कोई पीला लगाता है, कोई धूला उड़ाता है, कोई गीला लगाता है। बड़ा ही सुंदर है त्यौहार होली का देखो भैया, बड़ा ही सुंदर है त्यौहार होली का देखो भैया। कौन है गैर कौन अपना, इस रंग भेद को मिटाता है। कौन है गैर कौन अपना, यही रंग भेद मिटाता है। कोई रंग लाल लाता है, कोई पीला लगाता है। इस रचना का अगला बंद देखिए, इसमें एक व्यंग का पुट देने का प्रयास किया है। कल तक थे कमल के हाथ, कमल के साथ वो हो गए। कल तक थे कमल के हाथ, कमल के साथ वो हो गए। जाग करके जान करके कमल के साथ वो हो गए। यही महिमा निराली है होली के त्योहार की। गलत स्थान छुड़वा के सही स्थान दिलाता है। गलत स्थान छुड़वा के सही स्थान दिलाता है। कोई रंग लाल लाता है, कोई पीला लगाता है, कोई धूला उड़ाता है, कोई गीला लगाता है। और ये अगली रचना मैं हमारे युवा साथियों को प्रेरित करते हुए सुना रहा हूँ कि अगर युवा शक्ति चाहे तो संसार में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। जी आओ बढ़ें कुछ ऐसा करें, आओ बढ़ें कुछ ऐसा करें कि तम हट जाए, अहम कट जाए और भेदभाव सभी की दृष्टि से कोहरे की भांति छट जाए। आओ बढ़ें कुछ ऐसा करें, तम हट जाए अहम कट जाए, भेदभाव सभी की दृष्टि से कोहरे की भांति घट जाए। और फिर योग्यता की परख हो, सुपात्रों की खनक हो, और इस हेतु मैं अपनी रचना को भी रचाता हूँ और गीत भी गाता हूँ। सुंदर। अब एक लव्य को भी गुरु मिले, मुरझाया हुआ हर सुमन खिले। अब एक लव्य को भी गुरु मिले, मुरझाया हुआ हर सुमन खिले, और भ्रम से निकलो युवा शक्ति, मैं तुमको आज जगाता हूँ और गीत भी गाता हूँ। बहुत बढ़िया। तुम जागोगे जग जागेगा, तुम जागोगे जग जागेगा, अन्याय अमर भी भागेगा। तुम चलते रहो केवल इसलिए, तुम चलते रहो केवल इसलिए, मैं अपनी लेखनी को चलाता हूँ और गीत भी गाता हूँ। बहुत बढ़िया। मैं गीत भी गाता हूँ। और सुनाएं। बस एक रचना का और प्रयास कर रहा हूँ मैं। आप सभी का आशीष वचन लेते हुए, समर्थन लेते हुए, ये बहुत पहले मैंने, चूँकि एक जब युवा मन होता है, और वैसे भी आज हमारे शर्मा जी ने कह दिया कि अभी युवा हम ही हैं परिचय में, तो उसको मैं फिर से युवा हो जाता हूँ। और एक रचना होली पर ही लिखी थी, वो मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। कि आओ प्रिय इस होली में हम भी रास रचाएं, आओ प्रिय
इस होली में हम भी रास रचाएं और श्री कृष्ण की उस प्रथा की पुनरावृत्ति कर जाएं, क्योंकि राधे कृष्ण ने ही मैन होली खेली है। आओ प्रिय, इस होली में हम भी रास रचाएं, श्री कृष्ण की उस प्रथा की पुनरावृत्ति कर जाएं। कोई पहचान सके ना हमको, कोई पहचान सके ना हमको, ऐसे रंग रंग जाएं, अंतर भेद रहे ना कोई, हम इतने पास आए। और आओ प्रिय, होली में हम भी रास रचाएं। अगला बंद देखिए, गीत प्रेम के गाएं, संगीत सृजन का रचाएं। तो ये थे श्री हरिशंकर सेवारे, जिन्होंने अपनी सशक्त रचनाएं आप तक पहुंचाई। भारत एक ऐसा देश है जहां इस तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं कि विदेशी लोग भी पर्यटक के रूप में देखने आते हैं। होली ऐसा ही एक त्यौहार है, और हम ये कह सकते हैं कि होली सा त्यौहार ना देखा, होली सा त्यौहार ना देखा लंदन या शंघाई में, गुजिया सी मिठास ना देखी हमने किसी मिठाई में। तो ये भारत की वो परंपराएं हैं जो हमें नया जीवन देती हैं और कुछ नया करने की प्रेरणा देती हैं। और हम जितने भी रचनाकार हैं उनकी बस एक ही कामना होती है, एक ही भावना होती है इस देश के लिए, इस समाज के लिए, कि रंग मोहब्बत का हर ओर बिखर जाए तो चेहरा वतन का कुछ और निखर जाए। तो इसी भावना को रखते हुए दूसरी रचनाकार हमारे बीच में मौजूद हैं, श्रीमती कीर्ति मोरोलिया गौतम, और हम चाहते हैं कि वो अपनी अच्छी अच्छी रचनाएं आप तक पहुँचाएँ। श्रीमती कीर्ति मोरोलिया गौतम जी, नमस्कार। आदरणीय संचालक महोदय, हमारे बड़े भाई भाई साहब सुनील शर्मा जी, हमारे बड़े भाई सुदामा जी, और मेरे सहपाठी शिवरे जी, और यहाँ बैठे सभी श्रोतागण, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय मंच को नमन करते हुए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए, चूँकि हम होली का त्यौहार मना रहे हैं, वो माहौल हमें देखने को मिल रहा है, तो मैं उसी तारतम्य में कुछ मेरे मन में आया कि कुछ होली के लिए लिखना चाहिए, कुछ हम सब के लिए होना चाहिए होली के लिए। तो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है होली के लिए कुछ लिखने का। जी, स्वागत है। वही मैं आपके समक्ष रख रही हूँ, और सभी का आशीर्वाद चाहूँगी। सभी यहाँ मेरे बड़े बैठे हुए हैं, सभी का स्वागत करते हुए मैं अपनी पंक्तियाँ कि रंगों का त्यौहार है आया, रंगों का त्यौहार है आया, खुशियों की बरसात है लाया। रंगों का त्यौहार है आया, खुशियों की बरसात है लाया, लाल गुलाबी नीला पीला, बहुत सारे रंग होते हैं भाई। तो सुनिए कि लाल गुलाबी नीला पीला, सतरंगी साज है लाया, लाल गुलाबी नीला पीला, सतरंगी साज हिलाया, रंगों का त्यौहार है आया, रंगों का त्यौहार है आया, खुशियों की बरसात हिलाया। चाहे भाभी या हो भैया, चाहे भाभी या हो भैया, पार लगेगी सबकी नैया, चाहे भाभी या हो भैया, पार लगेगी सबकी नैया, सबके मन को यह है भाया, सबके मन को यह है भाया, रंगों का त्यौहार है आया, रंगों का त्यौहार है आया। बुराई का अंत करने को, देखिए ये एक ऐसा त्यौहार है जहाँ दुश्मन भी, हमें इस दिन दुश्मन को भी गले लगा लेना चाहिए और अपने दोस्त के रूप में उसे स्वीकार करना चाहिए। सारे गिले शिकवे हम दूर करके एक दूसरे को रंग लगा के इसका हम आनंद लेते हैं, और ये त्यौहार ही बुराई के लिए, ख़त्म करने के लिए बना हुआ है। तो इसी देखिएगा कि बुराई का अंत करने को, बुराई का अंत करने को, गिले शिकवे दूर करने को, बुराई का अंत करने को, गिले शिकवे दूर करने को, ये त्यौहार है आया। बुराई का अंत करने को, गिले शिकवे दूर करने को, ये त्यौहार है आया, रंगों का त्यौहार है आया, रंगों का त्यौहार है आया। सबके मन की बात यही है, सबके मन की बात यही है, अमन का पाठ यही है, सबके मन की बात यही है, अमन चैन का पाठ यही है, बच्चे बूढ़े और जवान को, बच्चे बूढ़े और जवान सभी आनंदित होते हैं इस त्यौहार में, बच्चे बूढ़े और जवान के सबके मन को है लहराया,
बच्चे बूढ़े और जवान के सबके मन को है ये लहराया, रंगों का त्यौहार है आया, रंगों का त्यौहार है आया। और एक लाइन और कि बेरंग दुनिया में, इस बेरंग दुनिया में फिर से रंगीन हो जाएं, इस बेरंग दुनिया में फिर से रंगीन हो जाएं, अमन चैन का पाठ हम सबको यह पढ़ा जाए, अमन से अमन चैन का पाठ हम सबको यह पढ़ा जाए। और रंगों का त्यौहार है होली आया, रंगों का त्यौहार होली है आया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और सुनाएं कीर्ति जी। अच्छा और भी सुनाना है, चलिए। शिक्षक भी हूँ मैं, शिक्षा जगत से थोड़ा सा जुड़ी हूँ, मैं टीचर हूँ। और मैं चाहती हूँ कि शिक्षक होने के नाते मेरा भी कुछ कर्तव्य है कि मैं अपने कुछ लेखनी से, अपने विचारों से इस समाज को कुछ दे सकूं, तो इसी का मैंने प्रयास किया है। जी, स्वागत। और सभी के चरणों में ये समर्पित करती हूँ, माँ सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए सभी को समर्पित करती हूँ। आदरणीय सदन को मेरा नमन है पुनः, और सभी को मैं इसको देते हुए प्रस्तुत कर रही हूँ। शिक्षा जगत से है ये, शिक्षा की अलग जगानी है। थोड़ा सा गला मेरा ख़राब है और ठीक आ रही है बस। जी, शिक्षा की अलग जगानी है, शिक्षा की अलग जगानी है, अज्ञानता दूर भगानी है। शिक्षा की अलग जगानी है, अज्ञानता दूर भगानी है। शिक्षा है एक अनुपम उपहार, शिक्षा है एक अनुपम उपहार, इससे होते हैं सपने साकार। शिक्षा है अनुपम उपहार, इससे ही होते हैं सपने साकार। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षक हैं, जिम्मेदारी दोहरी हमें निभानी है। हम शिक्षक हैं, जिम्मेदारी दोहरी हमें निभानी है। शिक्षा की अलग जगानी है, शिक्षा की अलग जगानी है, अज्ञानता दूर भगानी है। और बहुत सो लिया, अगला बंद देखिएगा, मैंने कुछ प्रयास किया है जगाने का कि बहुत सो लिया, बहुत सोलियां अब तो अधिकारों की समझ रखो। बहुत सोलियां अब तो अधिकारों की समझ रखो। सही राह दिखलाती है ये, सही राह दिखलाती है ये, अच्छे बुरे की परख रखो। सही राह दिखलाती है ये, अच्छे बुरे की परख रखो। अपने भारत वर्ष को, हमारा भारत वर्ष जो कभी सोने की चिड़िया था, उसी को मैंने जगाने का प्रयास किया है कि अपने अपने भारत वर्ष को फिर से सोने की चिड़िया बनानी है। अपने भारत वर्ष को फिर से सोने की चिड़िया बनानी है। शिक्षा की अलग जगानी है, अज्ञानता दूर भगानी है, शिक्षा की अलग जगानी है। और देखिएगा कि नीति नैतिकता और संस्कार, नीति नैतिकता और संस्कार हमें इसी से आते हैं। नीति नैतिकता और संस्कार हमें इसी से आते हैं। सही शिक्षा पाकर ही, सही शिक्षा पाकर ही शिक्षित हम कहलाते हैं। देखिएगा, सही शिक्षा लेना भी एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ा धर्म है, और सही शिक्षा देना भी एक बहुत बड़ा धर्म है। तो हमें यही देखना है कि सही शिक्षा पाकर ही हम शिक्षित कहलाते हैं। नीति नैतिकता और संस्कार हमें इसी से आते हैं। नवीन राह इसी के साथ कि नवीन राह और नवीन दिशा, नवीन राह और नई दिशा भी हमें दिखानी है। नवीन राह और नई दिशा भी हमें दिखानी है। शिक्षा की अलग जगानी है, शिक्षा की अलग जगानी है। और देखिएगा, आशीर्वाद चाहूँगी सभी का, सदन का, कि गौतम गांधी नानक की, गौतम गांधी नानक की इस धरा को शांति का पाठ पढ़ाना है। गौतम गांधी नानक की इस धरा को शांति का पाठ पढ़ाना है। जात पात और उन ऊंच नीच का भेद हमें मिटाना है, जात पात और ऊंच नीच का भेद हमें मिटाना है। एक सूत्र में बंध कर, एक सूत्र में बंध कर हमको राह अपनी बनानी है, एक सूत्र में बंध कर हमें राह अपनी बनानी है। शिक्षा की अलग जगानी है, शिक्षा की अलग जगानी है। और एक अंत में देखिएगा कि शिक्षक है सृजनकर्ता, शिक्षक है सृजनकर्ता, यहाँ वह करता नवनिर्माण यहाँ। शिक्षा है सृजनकर्ता, यहाँ वह करता नवनिर्माण यहाँ। हम शिक्षक हैं अपने पद की, हम शिक्षक हैं अपने पद की, गरिमा हमें निभानी है।
हमारे भी कर्तव्य बनता है कि हम उचित शिक्षा दें बच्चों को। हमें सभी बच्चे समान होते हैं और सभी को हमें उचित शिक्षा और हमें संस्कार देने हैं। तो हम शिक्षक हैं, अपने पद की गरिमा हमें निभानी है, शिक्षा की अलग जगानी है, शिक्षा की अलग जगानी है। और ये आखिरी बंद कि हैं हम सबका भी फ़र्ज, हैं हम सबका भी यह फ़र्ज़, यहाँ गुरु का सम्मान सदा करें। हैं हम सबका यह फ़र्ज़ शिक्षा का कि गुरु का सम्मान हम सदा करें और गुरु का सम्मान सदा करें। गुरु है तो सारे पद हैं, गुरु हैं तो सारे पद हैं, हम उनके चरणों का स्मरण सदा करें। गुरु हैं तो सब कुछ है, उनके चरणों का स्मरण सदा करें। और गुरु की महिमा गानी है, शिक्षा की अलग जगानी है, शिक्षा की अलग जगानी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी श्रीमती कीर्ति मोरोलिया गौतम, जिन्होंने अपनी सशक्त रचनाएं आप तक पहुंचाई और शिक्षा के बारे में बहुत अच्छी बात कही। और ये अक्सर कहा जाता है कि अज्ञानता अंधेरा है और शिक्षा ही सवेरा है, और ये सवेरा लाने का काम एक रचनाकार भी करता है अपने ढंग से। और जितने भी, चाहे वो शायर हों चाहे कवि हों, उनका एक अपना तरीका होता है, बड़े सलीके से बड़ी सादगी से काम लेते हैं, दिया जलाकर अंधेरे से इंतकाम लेते हैं। तो एक अपने तरीके से वो अपनी विसंगतियों से संघर्ष करते हैं। और देखिए, हमारे बीच में एक ऐसे अच्छे रचनाकार हैं, और ये बड़े सौभाग्य की भी बात है, जो आध्यात्म के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, पंडित सुदामा शर्मा जी। और हमारा देश तो वो देश है जहाँ शब्द को भी ब्रह्म की संज्ञा दी गई है, शब्द को ब्रह्म माना जाता है, और किसी भी वाक्य की, शब्द की, रचना की सबसे छोटी इकाई अक्षर है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहता हमसे हर एक अक्षर, पंडित जी, कहता हमसे हर एक अक्षर चलो सदा ही सच के पथ पर, सत्य नीम सा कड़वा है पर जीवन को कर देता शक्कर। सच का पथ है धूल भरा, सच का पथ है धूल भरा, सच का पथ है शूल भरा, सच के पथ पर सुविधाओं के सुमन नहीं खिलते, सच के पथ पर खुशबू वाले चमन नहीं मिलते, सच का पथ तो अग्नि पथ है, कदम कदम अंगारे हैं, सच के पथ पर चलने वाले इस दुनिया में न्यारे हैं। तो ये सच कहने का साहस वो रचनाकार करता है जो समाज की विसंगतियों को देखता है। और ऐसे ही एक रचनाकार हमारे बीच में हैं, पंडित सुदामा शर्मा, जो आप तक अपनी रचनाएं पहुंचाएंगे। दर्शकों नमस्कार, करीब 18 वर्ष का वनवास पूरा करके पुनः इस मंच पर आया हूँ और सबको होली के पर्व की शुभकामनाएं, बधाई देता हूं समस्त श्रोताओं को, मेरे साथियों को, शर्मा जी, सुनील जी, हरिशंकर जी और बहन जी, सबको प्रणाम करता हूं। बहुत लंबे समय बाद योग बना है और ये योग जो बना है तो बड़ा सुखद और सुंदर होगा, ऐसी मैं अभिलाषा करता हूं। और अपने भावों को बिना किसी लंबी भूमिका के आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जी, स्वागत है। जैसा कि इन्होंने जोश दिलाया भाई सुनील जी ने, उसी बात को आगे बढ़ाता हूं। और चूंकि अध्यात्म से रिलेटेड मैं हूं तो सारी बातें अध्यात्म की ही करता हूं, फिर भी बीच में कुछ प्रयास करूंगा लेने का। सर्वप्रथम तो जो मेरी अंतर की भावना है वो आपके समक्ष प्रस्तुत है एक गीत के रूप में। जी, स्वागत। कि रंग प्यार के संग लेकर चला हूँ, रंग प्यार के संग लेकर चला हूँ, रंग प्यार के संग लेकर चला हूँ, किसी को भला हूँ किसी को खला हूँ, किसी को भला हूँ किसी को खला हूँ, कि किसी की खुशी पर ना सुबहाओ, किसी की खुशी पर ना सुबहाओ, मेरे संग प्यार में गोते लगाओ, मेरे संग प्यार में गोते लगाओ, ना मैं हिमालय, ना मैं हिमालय, ना जल जला हूँ, रंग प्यार के संग लेकर चला हूँ, रंग प्यार के
संग लेकर चला हूँ। और जो मेरी भावनाएं कि फूल ही फूल नहीं कांटे भी अपने, फूल ही फूल नहीं कांटे भी अपने, बांट दो सुनहरे जो देखे हैं सपने, बांट दो सुनहरे जो देखे हैं सपने। गंगा की धार नहीं, गंगा की धार नहीं, ओस में पला हूँ, रंग प्यार के संग लेकर चला हूँ, रंग प्यार के संग लेकर चला हूँ। कि प्यार का ही रंग जाए संग में हमारे, प्यार का ही रंग जाए संग में हमारे, बदलो बिगड़े हुए ढंग सारे, बदलो बिगड़े हुए ढंग सारे, ढल जाओ प्यार के रंग में ढला हूँ, रंग प्यार के संग लेकर चला हूँ, रंग प्यार के संग लेकर चला हूँ। कि प्याला हूँ प्रेम का पी लो मुझे, प्याला हूँ प्रेम का पी लो मुझे, मिल जाए खुशियाँ जी लो मुझे, मिल जाए खुशियाँ जी लो मुझे। हार जाए नफरत, हार जाए नफरत में वो बला हूँ, रंग प्यार के संग लेकर चला हूँ, रंग प्यार के संग लेकर चला हूँ। अंतिम पद कि रख दूंगा हस्ती मिटा के जलन की, रख दूंगा हस्ती मिटा के जलन की, गीतों में मेरे है खुशबू वतन की, गीतों में खुशबू है मेरे वतन की। मंजिल है पीछे मैं आगे चला हूँ, रंग प्यार के संग लेकर चला हूँ, रंग प्यार के संग लेकर चला हूँ। किसी को भला हूँ तो किसी को खला हूँ, रंग प्यार के संग लेकर चला हूँ, रंग प्यार के संग लेकर चला हूँ। और सुना एक रचना, एक कविता जी, इसके बाद में फिर गीत गाने का प्रयास करूँगा जी जी। जैसा कि उसके ऊपर कुछ प्रयास किया है जी। बात बहुत पुरानी है लेकिन हमेशा नवीन रहे, प्रासंगिक रहती है, प्रासंगिक रहती है कि हमने देखा उन्हें बस जिए जा रहे हैं। हाँ जी, हमने देखा उन्हें बस जिए जा रहे हैं, बातें ही बातें किए जा रहे हैं। वाह क्या बात है, क्या बात है। हमने देखा उन्हें बस जिए जा रहे हैं, बातें ही बातें किए जा रहे हैं। ऊपर से कहते हैं कुछ ना मिले, ऊपर से कहते हैं कुछ ना मिले, बांट देंगे सब कुछ जो भी मिले, बांट देंगे सब कुछ जो भी मिले, आप समझ जाएंगे, मगर नीचे से लिए जा रहे हैं। बातें ही बातें किए जा रहे हैं, मगर नीचे से लिए जा रहे हैं, बातें ही बातें किए जा रहे हैं। वादे करते हैं कैसे कि खुशियों से दामन तुम्हारा भरेंगे, खुशियों से दामन तुम्हारा भरेंगे, साकार सपने तुम्हारे करेंगे, कागज में सब कुछ किए जा रहे हैं, कागज में सब कुछ किए जा रहे हैं, बातें ही बातें किए जा रहे हैं, हमने देखा उन्हें बस जिए जा रहे हैं। बहुत शानदार। फिर उपदेश भी देते हैं कि सुरा सुंदरी है ये आदत बुरी, सुरा सुंदरी है ये आदत बुरी, बातें करें जैसे मीठी छुरी, बातें करें जैसे मीठी छुरी, मगर पर्दे के पीछे पिए जा रहे हैं, पर्दे के पीछे पिए जा रहे हैं, और हाथ पकड़कर लिए जा रहे हैं, बातें ही बातें किए जा रहे हैं, हमने देखा उन्हें बस जिए जा रहे हैं। एक बार मौका मिलने तो दो, कहते हैं कि एक बार मौका मिलने तो दो, कुर्सी इनकी संभलने तो दो, होंगे सद्दाम लादेन चेले सहारे, होंगे सद्दाम लादेन चेले सहारे, मानेंगे हरदम इनके इशारे, मानेंगे हरदम इनके इशारे, शिलान्यास भरपूर करवाएंगे, नोटों से घर अपना भर जाएंगे,
आज के युग के ये ही भगवान हैं, आज के युग के ये ही भगवान हैं, जो ये नहीं है बस वही इंसान है, जो ये नहीं है बस वही इंसान है, जो गुणगान इनका किए जा रहे हैं, जो गुणगान इनका किए जा रहे हैं, बस वही मजे लिए जा रहे हैं, बस वही मजे लिए जा रहे हैं, ये भाषण ही भाषण दिए जा रहे हैं, ये भाषण ही भाषण दिए जा रहे हैं, शोषण सभी का किए जा रहे हैं, हमने देखा उन्हें बस जिए जा रहे हैं, बातें ही बातें किए जा रहे हैं, बातें ही बातें किए जा रहे हैं। एक रचना और रंगों का त्यौहार है। प्रथम सत्र में रंगों की बात कही, फिर रंगों के साथ में ही समापन करूंगा। स्वागत। रंगों की बात है कि यादों की सूनी धरती पर, यादों की सूनी धरती पर रंगों की बौछार है, यादों की सूनी धरती पर रंगों की बौछार है, परदेसी घर वापस आ जा तेरा इंतजार है, परदेसी घर वापस आ जा तेरा इंतजार है, यादों की सूनी धरती पर रंगों की बौछार है, परदेसी घर वापस आ जा तेरा इंतजार है, गली गांव गलियारे तुझ बिन सूने सूने लागे रे, बहुत बढ़िया, गली गांव गलियारे तुझ बिन सूने सूने लागे रे, फाग राग के घाव जिया पर दूने दूने लागे रे, फाग राग के घाव जिया पर दूने दूने लागे रे, बिना तुम्हारे प्रियतम प्यारे, बिना तुम्हारे प्रियतम प्यारे सुना सा त्योहार है, परदेसी घर वापस आ जा रंगों का त्योहार है। यादें समेटी हैं कि पिछबाड़े यमराई में कोयल कानों में रस घोले रे, पिछबाड़े यमराई में कोयल कानों में रस घोले रे, चुपके चुपके मिलन हमारे भेद पुराने खोले रे, चुपके चुपके मिलन हमारे भेद पुराने खोले रे, बस जाना परदेश में तेरा, बस जाना परदेश में तेरा कैसा ये उपकार है, परदेसी घर वापस आ जा रंगों का त्योहार है, परदेसी घर वापस आ जा रंगों का त्योहार है। एक प्रेमिका जो अपने प्रियतम का, या एक पत्नी, एक गृहिणी जो अपने पति का इंतजार कर रही है, उसके मन का भाव है कि अब तो आ रे ताने मारे सखियां करें ठिठोली सी, अब तो आ रे ताने मारे सखियां करें ठिठोली सी, बिन तेरे साजन ये होली होली लागे गोली सी, बिन साजन बिन तेरे साजन ये होली होली लागे गोली सी, सराबोर कर दे तू कर, सराबोर कर दे तू आकर जितना रंग उधार है, परदेसी घर वापस आ जा रंगों का त्योहार है, परदेसी घर वापस आ जा रंगों का त्योहार है, यादों की सूनी धरती पर रंगों की बौछार है, यादों की सूनी धरती पर रंगों की बौछार है, परदेसी घर वापस आ जा रंगों का त्योहार है, रंगों का त्योहार, बहुत बढ़िया, रंगों का त्योहार है। नमस्कार। और अभी तक हमारे जो सूत्रधार हम सबको अपने इशारों पर, अपने शब्दों पर नृत्य करा रहे थे, भाई सुनील शर्मा जी, मैं निवेदन करता हूँ कि वे अपने कुशल शब्दों की कारीगरी से हम सबको अभिसिंचित करें और हमें प्रेरणा दें। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।
पंडित सुदामा शर्मा जी। होली के इस पावन अवसर पर मैं दो गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। रंगों के आसपास है, हम अपने जीवन में देखते हैं कि तमाम तरह के रंग बिखरे हुए हैं और भारत तो एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न धर्म जाति भाषाओं के रंग हमको देखने को मिलते हैं, इसलिए अनेकता में एकता की बात कही जाती है। लेकिन इन सब के बीच, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, एक सियासत का राजनीति का रंग भी हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो पहली रचना उसी रंग से संबंधित है। ये रंग सियासत के, ये रंग सियासत के पल पल में बदलते हैं, ये रंग सियासत के पल पल में बदलते हैं, ये राह बहुत मुश्किल यहाँ रोज फिसलते हैं, ये रंग सियासत के पल पल में बदलते हैं, ये राह बहुत मुश्किल यहाँ रोज फिसलते हैं, ये खेल है शतरंजी यहाँ से और माते हैं, जिनसे था याराना उन पर ही घाते हैं, कभी साजिश रचते हैं कभी चालें चलते हैं, कभी साजिश रचते हैं कभी चालें चलते हैं, ये रंग सियासत के पल पल में बदलते हैं। बहुत बढ़िया। तन पर हैं श्वेत वसन और मन के काले हैं, इसलिए इस देश में तो होते घोटाले हैं, तन पर हैं श्वेत वसन और मन के काले हैं, इसलिए इस देश में तो होते घोटाले हैं, मुखड़े पे मुखौटा है जनता को छलते हैं, मुखड़े पे मुखौटा है जनता को छलते हैं, ये रंग सियासत के पल पल में बदलते हैं। और जनता क्या सोचती है इन सबको देख के, चुनकर जिन्हें भेजा था हमने सरकारों में, चुनकर जिन्हें भेजा था हमने सरकारों में, वे ही उलझ गए जुमलों या नारों में, अब हम सिर धुनते हैं हाथों को मलते हैं, अब हम सिर धुनते हैं हाथों को मलते हैं, ये रंग सियासत के पल पल में बदलते हैं। और दिल्ली की घटनाएं या देश के किसी हिस्से की घटना, ये पंक्तियां देखें, कभी मंदिर की बातें कभी मस्जिद के मसले, कभी मंदिर की बातें कभी मस्जिद के मसले, आंधी चले नफरत की जब उनकी जुबां फिसले, फिर दंगे होते हैं और घर भी जलते हैं, फिर दंगे होते हैं और घर भी जलते हैं, ये रंग सियासत के पल पल में बदलते हैं। इतनी विसंगतियों के बाद भी भारत के इस देश में जनता का जो वोट की ताकत है, जो मतदाता की ताकत है, वो उभर के सामने आती है। आखिरी पंक्तियां उसी मतदाता को समर्पित हैं। फूलों का किया वादा, जनता क्या सोचती है, फूलों का किया वादा और करके भूल गए, खुशबू का ख्वाब दिखा दामन में शूल दिए, फिर ऐसे माली को, फिर ऐसे माली को हम ही बदलते हैं, फिर ऐसे माली को हम ही बदलते हैं, ये रंग सियासत के
पल पल में बदलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। एक और गीत, थोड़ा चार बंद का छोटा सा गीत है, और जैसा कि मैंने पहले कहा, तमाम रंग बिखरे हुए हैं और तमाम वैज्ञानिकों मनोवैज्ञानिकों ने रंगों को भी अपने ढंग से परिभाषित किया है। पंडित जी तो इस बात को जानते हैं, रंगों का अपना प्रभाव होता है हमारे मन मस्तिष्क पर, तो वही सब बातें मैं इस गीत में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। रंग बिरंगी इस दुनिया में कैसे कैसे रंग हैं, रंग बिरंगी इस दुनिया में कैसे कैसे रंग हैं, चाल निराली चेहरे कितने और बदलते ढंग हैं, रंग बिरंगी इस दुनिया में कैसे कैसे रंग हैं। देखिए क्या रंग होती हैं, खुशियों के जब फूल खिलें तो रंग दिखे उल्लास का, खुशियों के जब फूल खिलें तो रंग दिखे उल्लास का, जीवन की बगिया का लगता चेहरा एक मधुमास सा, आँखों के आंसू जब जब भी गम का दरिया बनते हैं, आँखों के आंसू जब जब भी गम का दरिया बनते हैं, अश्रु बूंद को मोती समझकर हम पलकों से चुनते हैं, सुख दुख की इस धूप छांव को देख देख कर दंग हैं, रंग बिरंगी इस दुनिया में कैसे कैसे रंग हैं। बहुत बढ़िया। और देखिए, कहते हैं कि लाल रंग का, लाल रंग क्रांति का प्रतीक माना जाता है, लाल झंडे होते हैं इसलिए। कहते हैं कि लाल रंग का इंकलाब से है नाता, और किसी बैरागी मन को रंग गेरुआ ही भाता, रंग बसंती चोला खातिर भगत सिंह भी इतराया, वीर शहीदों के कारण ही तो तिरंगा लहराया, देशभक्ति में भी तो आखिर ईश भक्ति के रंग हैं, रंग बिरंगी इस दुनिया में कैसे कैसे रंग हैं, श्वेत रंग पावनता का है और हरा समृद्धि का, श्वेत रंग पावनता का है और हरा समृद्धि का, गुणीजन कहते रंग गुलाबी है प्रीत में वृद्धि का, सागर और अंबर का नीला रंग भी कुछ कुछ कहता है, सागर और अंबर का नीला रंग भी कुछ कुछ कहता है, जीवन एक गहरी नदिया है पानी कल कल बहता है, जीवन पथ में कदम कदम पर बिखरे कितने रंग हैं, रंग बिरंगी इस दुनिया में कैसे कैसे रंग हैं। और आखिरी बात, आखिरी बन, जैसा कि पंडित जी कह रहे थे कि प्रेम का रंग सबसे बड़ा पक्का होता है, और भारत वो देश है जहाँ प्रेम को बहुत पावन परंपरा रही। अमीर खुसरो साहब ने कहा कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उबरा वो डूब गया, जो डूबा वो पार। तो ये परंपरा हमारे देश की रही है। आखिरी बन सुने, जीवन की इस चादर पर तो प्रेम रंग सबसे पक्का, जीवन की इस चादर पर तो प्रेम रंग सबसे पक्का, मन का उपवन महक उठे जब मन का मीत मिले सच्चा, प्रीत रीत अपना कर राधा मोहन में मसरूफ हुई, और कोई मतवाली मीरा श्याम रंग में डूब गई, प्यार मोहब्बत इश्क वफा सब पूजा के ही अंग हैं, रंग बिरंगी इस दुनिया में कैसे कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज की ये गोष्ठी
हम यहीं तक सीमित रखते हैं, लेकिन इस वादे के साथ के कुछ समय बाद आपके बीच फिर उपस्थित होंगे। चलते चलते एक बार फिर याद दिला दूं, आज इस गोष्ठी में किन किन रचनाकारों ने अपनी रचनाएं आप तक पहुंचाई। मेरे पास में श्रीमती कीर्ति मोरोलिया गौतम जी, पंडित सुदामा शर्मा जी और श्री हरिशंकर सिवरे जी, और मैं सुनील शर्मा अब आपसे इस वादे के साथ अनुमति चाहता हूँ कि कुछ समय बाद फिर आपके बीच उपस्थित होंगे। लेकिन चलने से पहले ये बता दूँ कि ये कार्यक्रम आप तक पहुँचाने के लिए हमारे सहयोगी भाई कैलाश कुशवाहा, पवन कुशवाहा और जीवन सिंह परियार जी ने बहुत अथक परिश्रम किया, और इस तरह के जो भी कार्यक्रम आप तक पहुँचते हैं इनका बड़ा सहयोग रहता है। तो इस सोनाली ग्रुप के डायरेक्टर तरुण जैन जी की तरफ से मैं आप सबसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।